में एक्सपोनेंशियल लिमिट है। इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पे बहुत सारा क्वेश्चन देखा है। आज जो हम लोग काम करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल पर। और देखो एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों साथ साथ ही चलता है। एक्सपोनेंट को ही लॉग में कन्वर्ट करते हैं, लॉग को एक्सपोनेंट में रिप्लेस हो जाता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, फर्स्ट लेट मी राइट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू डी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू वन। सेकेंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए का पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू लॉग ई बेस ए। थर्ड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ई बेस वन प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू। ये तीन फॉर्मूला रिमेंबर रखेंगे, इसका भी हम लोग यूज करने वाले। इसके अलावा आपको पता है कि लॉग ए बेस एम इंटू एन अगर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हुआ तो ये प्लस में हो जाता है। लॉग ए बेस प्लस लॉग ए मल्टीप्लाई में हुआ तो प्लस में लिखेंगे। नाउ लॉग ए बेस एम बाई एन अगर होता है तो वी आर गेटिंग लॉग ए बेस एम माइनस लॉग ए बेस एन होगा। ठीक है, अगर बाई के फॉर्म में हुआ तो इसको हम लोग माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। ये भी आपको बात पता है लॉग ए बेस ए सेम सेम हुआ तो क्या होता है, वन होता है। ठीक है, लॉग ए बेस एम का पावर एन अगर हुआ तो एन को बाहर निकाल दो, लॉग ए बेस एम जो मैंने पप्पा बेटा करके बताया था ये एन हमारा पहले आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और एन लॉग ए बेस एम हो गया। इसी फॉर्म का अभी हम लोग यूज करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला लॉग के लिए होगा। इतनी बातें रिमेंबर रखें, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे बनाएंगे। वेल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनेगा तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे एक आसान क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ई टू डी पावर टू एक्स माइनस वन बाई एक्स। बिल्कुल जैसे आपने लिमिट पे काम किया था यहाँ भी वैसे ही काम करना है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले आपको तीन बात का ध्यान देना है। फर्स्ट वन इज वॉट एक्स, बॉटम इज एक्स एंड दिस साइड इज ऑल्सो शुड बी एक्स और इधर क्या होना चाहिए जीरो, बीच में माइनस वन भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स 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 जीरो और माइनस वन, तब ये पूरा वैल्यू मिला के कितना होगा वन। यहाँ देखो क्या है, एक्स है एक्स है लेकिन यहाँ क्या हो गया टू एक्स है और माइनस वन भी है। तो क्या करना है आपको, एक्स वाला जितना भी टर्म है उसको आपको सेम बनानी है। सो व्हाट विल यू डू, लिमिट टू एक्स कर दो, इधर जीरो कर दो, दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो इधर टू एक्स हो गया, जीरो में टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जीरो हो जाएगा। ई का पावर कितना हो गया टू एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू टू और इंटू कितना हो जाएगा टू। ठीक है, इंटू हम लोग टू कर दिए तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी वन इंटू टू, नेट आंसर। क्योंकि हमने क्या बताया, जैसी सेम हुआ ये सेम और ये वाला सेम, ये तीनों जैसी सेम हुआ माइनस वन हुआ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है एकदम। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? हो गया वन इंटू टू विच इज इक्वल टू टू। वन था तो फिर से लिख लेते, देखो क्या था, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करो जीरो ई का पावर टू एक्स माइनस वन बाई टू एक्स इंटू टू, इस पूरे का वैल्यू वन इंटू टू, नेट आंसर यही इसका आंसर। ठीक है, देखो।
एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का है। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ई का पावर 3x, ई का पावर 2x बाई x, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, ई का पावर 3x माइनस ई का पावर 2x बाई x दिख रहा है ना। तो कैसे हम लोग काम करेंगे, देखिए इसमें क्या कमी है, फॉर्मूला के हिसाब से माइनस वन नहीं है, माइनस वन नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, 3x देखो माइनस वन कर दिया, e का पावर 2x हो गया माइनस वन हो गया बाई x हो गया, दिख रहा है, ब्रैकेट में माइनस वन, इधर भी माइनस वन लिखा मैंने। तो फाइनली अब कितना होना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, e का पावर 3x माइनस वन बाई x, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो और e का पावर 2x माइनस वन बाई x, दिख रहा है। हमने क्या किया, माइनस वन यहाँ माइनस वन यहाँ, दोनों सॉल्व करने पर, और फिर इसको अलग अलग मैंने कर दिया, ये दिख रहा है, x को इस साइड भी डाला, x को इस साइड भी डाला, ठीक है। नाउ लिमिट विल गो टू ईच टर्म्स, e टू डी पावर 3x माइनस वन बाई x, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, e का पावर 2x माइनस वन बाई x। अच्छा अब देखो तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो तो है, e का पावर 3x माइनस वन बाई x है, मल्टीप्लाई कर दो 3, इधर कर दो 3 और इधर भी कर दो, क्योंकि सेम सेम रखना है, सेम सेम और सेम, तो 3 इधर, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड तो 0 ही होना है, 3x तो 3 मल्टीप्लाई नीचे भी और इधर 3 माइनस, अब बताओ कितना रखें हम लोग, 2 से इधर 2 से इधर, e का पावर 2x माइनस 1 बाई x इंटू 2 और इंटू 2, ठीक है। तो फाइनली अब बताओ कितना रखेंगे, इसका वैल्यू 1 इंटू 3 1 इंटू 2, तो फाइनली 1, क्लियर है। तो किस चीज की कमी थी इसमें, माइनस 1 की, तो इधर इधर माइनस 1 किया, सबको अलग अलग किया, सॉल्व किया, यही आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखना, सब इधर देखो, एक चीज और यहाँ लिख लीजिए पहले, एक ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, 3 का पावर x माइनस वन बाई x, फॉर्मूला वहां फॉर्मूला पहले देखो, हाँ देखो इस बार a वाला आ गया है, e नहीं रहा है, तो a का पावर x माइनस वन बाई x, तो व्हाट वी विल राइट हियर, log बेसी a, तो हियर डायरेक्ट इट इज गिवन हियर, we will write log e base 3, got clear, see we have to focus on three terms, x, x and x is given here and minus 1 is given here, see so it is log e base a, so in the place of a what we will write here, 3 is written here, so log e base 3, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, वन मोर क्वेश्चन लेट मी राइट, सी यहां रखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो, 4 का पावर x माइनस 2 का पावर x बाई x, क्या इसमें गड़बड़ है बताओ, माइनस 1 नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल वही करेंगे, x टेंस टू जीरो, 4 का पावर x माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 बाई x हमने कर लिया। नाउ वी विल सेपरेट दिस x टू बोथ साइड, लिमिट x टेंस टू जीरो, 4 टू दी पावर x माइनस 1 बाई x, लिमिट x टेंस टू जीरो, 2 टू दी पावर x माइनस 1 बाई x, got clear, now what we will do here, दोनों साइड log e बेस 4 होगा, क्योंकि a का पावर x है, यहाँ x x x तीनों जगह सेम होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए, जब भी ऐसा फॉर्म आया तो देखो e और a में क्या डिफरेंस होगा, जब